फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में शिवानीज कॉर्नर में। आज हम बना रहे हैं कुरकुरे करारी चटपटी अजवाइनी भिंडी, जो कि बहुत ही टेस्टी यमी होता है। तो आइए देखें इसको कैसे। आज हम अजवाइनी भिंडी बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी भिंडी को साफ कर लेंगे। उसके बाद भिंडी को ऐसा लिया और सीधा ऐसा लंबा काटेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम अपने सारे भिंडी को काट लेंगे। ऐसे लंबा लंबा हम भिंडी काटने वाले हैं। सारे भिंडी को हम ऐसे काट लेंगे। मैंने 200 ग्राम भिंडी लिया है, आप अपने अंदाज से ले लो आपको जितनी चाहिए। तो हमने अपनी सारी भिंडी को इस तरह काट लिया है। तो अब हम इसमें अपना मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले, जैसे किसका नाम है अजवाइनी भिंडी, तो इसमें अजवाइन पड़ेगा। तो हम 1 टीस्पून अजवाइन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच तेल डालेंगे, कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अजवाइन डाल दिया हमने, तेल डाल दी। इसके बाद हमें इसमें 3 टीस्पून हम बेसन डालेंगे। ये जो अजवाइनी भिंडी है ये फ्राई होता है, तो इसके लिए इसको हम बेसन डाला हमने। बेसन के साथ में 1 टीस्पून हमने चावल का आटा डाला। चावल के आटा डालने से ये कुरकुरा हो जाता है। इसके साथ में हम 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक के बाद हम थोड़ी हल्दी डालेंगे, क्योंकि कलर जब तक अच्छा नहीं आए तो कोई सब्ज़ी अच्छा दिखता नहीं है। तो ये 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला। फ्रेंड, नमक के साथ में हमें इसको थोड़ा तीखा बनाने के लिए मिर्ची चाहिए। तो 1/2 टीस्पून मैंने मिर्ची पाउडर डाला। आप अपने अकॉर्डिंगली मिर्ची डालो, आपको जितना तीखा पसंद है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। इसके साथ में हम इसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए आमचूर पाउडर डालेंगे, अराउंड 1/2। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, इसमें 1/2 टीस्पून हमने आमचूर पाउडर डाला। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो तेल डाला है हमने। और थोड़ा नींबू डालेंगे तो उसके ही रस में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड, देख सकते हैं, इसमें हम 1 नींबू डालेंगे और नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बड़ा ही क्रिस्पी अजवाइनी भिंडी हमारा बनके होगा, तैयार होगा। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूड़ी के साथ खाओ तो भी अच्छा लगता है, या इवन राइस और दाल के साथ भी अगर आप खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो इस तरह हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं, इसमें चारों तरफ बेसन लग गया है। ये ज़्यादा तेल भी नहीं लेता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में हमने बेसन और चावल का आटा दिया है, तो ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये बड़ा ही क्रिस्पी सा डिश बनता है। तो अभी हम इसको 5-10 मिनट ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हम अजवाइनी भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले अपने पैन में तेल को गर्म कर लेंगे। फिर हमने जो भिंडी डाली थी रेस्ट करने को, वो भिंडी अब हम इस तेल में, गर्म तेल में डालेंगे। हमारी भिंडी कुरकुरी बननी चाहिए। भिंडी बहुत जल्दी पकती है तो सिम करने की ज़रूरत नहीं है। कुरकुरा भिंडी चाहिए तो हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, फ्राइड चीज़ तो ऐसे भी बड़ा जल्दी बनता है। तो इतने ऑयल होते हैं कि वो आराम से पक जाता है अंदर तक। और इस भिंडी को तो हमने बहुत ही पतला बारीक काटा है, इसको पकने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा मोटो है कि ये कुरकुरा हो जाए, तो हम इसको हाई फ्लेम पे तल लेंगे उलट पलट कर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, का कलर कितना जल्दी चेंज हो रहा है। हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम पे किया है तो जले नहीं,
इसलिए हमें बार बार इसको पलट लेना पड़ेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी कुरकुरी भिंडी बनी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, एक लाइक बनता है तो लाइक भी करना, बेल आइकन तो ज़रूर से, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन तो आप ज़रूर से प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन से क्या फ़ायदा होता है ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया है तो क्या होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। देख सकते हैं फ्रेंड ये बन गई है, बड़ा ही करारी दिख रही है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। जस्ट हम ऐसे एक दो बार करते हैं कि जो एक्स्ट्रा तेल है वो वापस हमारी कढ़ाई में चली जाए और इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे भिंडी को फ्राई कर लेंगे। इसको आप चाहो तो चावल के साथ या पूड़ी के साथ, बहुत ही टेस्टी यमी लगता है। इसमें खट्टापन भी है, करारापन भी है, थोड़ा तीखा भी है, तो बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है ये। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। राइस वगैरह के साथ खाओ, मेरे घर में तो सभी को पसंद है। इसी तरह आप बना सकते हो। जब आपके पास कोई गेस्ट आने वाला हो ना और जल्दी में कुछ अच्छा बनाने का मन करे तो आप ये ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। इसी तरह हम सारा फ्राई कर लेंगे।